अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम है कैप्सूल फी फॉलवेट। ये हमारे जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। आज की इस वीडियो में हम कैप्सूल फी फॉलवेट के बारे में कम्प्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए व्यूअर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कम्पोजिशन के बारे में, इसके यूजेस क्या है, इसको खाने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और व्यूवर्स लास्ट पे हम बात करेंगे कि इसकी डोजेज क्या है, यानी हम इसको कैसे और कब खा सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके कम्पोजिशन के बारे में। इसके कम्पोजिशन में ये हार्ड कैप्सूल स्पेंसोल कैप्सूल में यानी दानेदार कैप्सूल में 150 mg, खुश्क फ्यूरस सल्फेट यानी 47 mg आयरन के बराबर और 0.5 mg फोलिक एसिड बतौर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में अगर हम बात करें तो ये मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी यानी अनीमिया और फोलेट डेफिशिएंसी को रोकने और इसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये हमारे जिस्म में जरूरी मिनरल्स जैसे आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे जिस्म में मेगालोब्लास्टिक और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, कैप्सूल फी फॉलवेट का इस्तेमाल हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफत को बढ़ाने और कमजोरी को खत्म करने के लिए किया जाता है। और व्यूवर्स, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस पर और स्किन पर डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन यानी जिल्द पर बने हुए स्याह धब्बे और मेलानिन की वजह से उनकी जो रंगत है वो सांवली होती है, उसको निखारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लोगों का एक और मसला बहुत अहम होता है कि उनके हेयर्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे बालों को सेहतमंद और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और एल्डरली में यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में उम्र के साथ कमजोरी और खून की कमी हो जाती है, तो उनको ये इस्तेमाल करवाए जाते हैं। और इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं की कुव्वत मदाफत को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले कैप्सूल फी फॉलवेट को खाने से एब्डोमिनल पेन हो सकता है यानी हमारे पेट में दर्द हो सकता है, और नोजिया हो सकता है यानी मतली हो सकती है, और वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, और कुछ लोगों को ये कैप्सूल फी फॉलवेट खाने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, और कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है, और कुछ लोगों में ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ फीसिस की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी उनके पखाने का कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसके स्पेशल प्रिकॉशंस में कैप्सूल फी फॉलवेट को हमल के 13 हफ्तों के बाद या आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोजाना लेना चाहिए, और कैप्सूल फी फॉलवेट को 1 गिलास पानी के साथ पूरी तरह निगल लेना चाहिए और चबा कर या चूस कर ना खाएं, और अगर चाय कॉफी अंडे या दूध के साथ इसको लें तो इसका असर कम हो सकता है, यानी चाय कॉफी अंडे या दूध के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर आपको इस कैप्सूल में शामिल किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें, यानी हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट और लास्ट व्यूवर्स हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी इसकी डोजेज क्या हो सकती है। फॉर प्रोफाइलेक्सिस में इसका इस्तेमाल जस्ट 1 कैप्सूल आप ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 कैप्सूल रोजाना आप खाने के बाद ले सकते हैं सुबह के टाइम पे। व्यूवर्स, सुबह के टाइम पे अगर इस कैप्सूल को लिया जाए तो आसान लफ्जों में ये कि ये आसानी से हजम हो जाता है। और नेक्स्ट फॉर ट्रीटमेंट में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो, यानी अगर आपको खून की कमी बहुत ज्यादा है, आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है, तो कुछ डॉक्टर्स आपकी हालत को देखते हुए यानी आपके जिस्म में खून की कमी को ऑब्जर्व करते हुए आपको दिन में 2 कैप्सूल रोजाना भी खाने को दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको किसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड हो। लास्ट पे व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।